देश भारत था सोने की चिड़िया सदा, तुम समझ भी ना पाए तो मैं क्या करूं। नकली नेता बने ठग रहे देश को, धोखा जनता जो खाए तो मैं क्या करूं। दोस्तों, जमीन का मालिक है किसान और ठोकरें खा रहा है किसान। भ्रष्टाचार की भेंट देश चढ़ चुका है, लेकिन किसान को अपने पैरों पर खड़ा होना है तो उसे खुद मेहनत करनी होगी, अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो वेजिटेबल गार्डनिंग वीडियो है। दोस्तों, गर्मियाँ आ गई हैं और सब्जियाँ हम उगा रहे हैं छत पर। ये हमने मटर उगाई थी, आप देख पा रहे हैं, और इस पर मटर ग्रो हो रही है। ये देखिए, यहाँ मेरे जो छत पर मोर आ जाते हैं वो उसे खा जाते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी ये फलियाँ आप देख पा रहे हैं लग रही हैं। लेकिन गर्मियों के सीज़न में हम कैसे सब्जियाँ उगाएं, उस पर बहुत सारे सवाल थे आपके। तो चलिए, आज मैं आपको उन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। सर्दियों में भी हमने वेजिटेबल ग्रोइंग की थी कंटेनर में, आप देख पा रहे हैं ये गोभी ग्रो हो रही है। लेकिन बेसिकली जो अंतर है गर्मियों में और सर्दियों में, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप ज़मीन पर सब्जी उगाना चाह रहे हैं तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर कॉन्टेनर पर या गमलों में या प्लास्टिक के जो भी डिब्बे हैं उनमें अगर आप सब्जी ग्रो करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अंतर कीजिएगा। देखिए, सर्दियों की ये गोभी लगी हुई है, इनकी जो ऊंचाई है कंटेनर की करीब 4 से 5 इंच है, लेकिन गर्मियों में हमें इनकी ऊंचाई काफ़ी कर देनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कंटेनर मेरे पास अभी यहाँ रखा हुआ है। ये देखिए, एक कंटेनर है, पहले हमने इसे ऐसे ऐसे काटा था लंबाई में, लेकिन अब की बार हम इसे यहाँ ऊपर से काटेंगे अगर हम किसी कंटेनर में सब्जी उगा रहे हैं। मैं अभी इसे काटने वाला नहीं हूँ। आप गमले या कोई भी पॉट वगैरह में अगर सब्जी उगाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि मिट्टी की जो मोटाई है वो कम से कम 1.5 फिट या 1 फिट के आसपास होनी चाहिए। उससे कम अगर मिट्टी है तो फिर बहुत ज़्यादा केयर रखने की आपको ज़रूरत होगी, समय समय पर पानी देना होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए इस तरफ आते हैं। ये वही ड्रम है जो मैंने काटा हुआ था, आप देख पा रहे हैं। हमने इसमें मूली ग्रो की थी और मूली मैंने हार्वेस्ट कर ली है। अभी मटर लगी हुई है यहाँ पर और रोज़ उसमें से भी हम कुछ फलियाँ खा ही लेते हैं, प्योर ऑर्गेनिक है ये। लेकिन मिट्टी में हमें क्या करना है, ये देखिए, आप भी एक दो दिन पहले अपनी जो ग्राउंड है या फिर कंटेनर है वहाँ मिट्टी को अच्छी तरीके से गोड़ दीजिए ऐसे, और एक दिन 24 घंटे कम से कम अच्छी तरीके से धूप लग जाने दीजिए। दोस्तों, मिट्टी में जो फर्टिलाइज़र है उससे ज़्यादा अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो मिट्टी में निराई गुड़ाई ज़रूर करते रहें। इतना फ़ायदा खाद देने से नहीं होता है पौधों में, निराई गुड़ाई धूप लगने से बहुत ज़्यादा मिट्टी की जो आंतरिक संरचना है उसमें बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो हमें क्या करना है कि अपनी जो गार्डन है या गमले की मिट्टी है जो भी है उस मिट्टी में धूप लगा देनी है 24 से 48 घंटे, और फिर उसे कुछ दिन बाद 24 घंटे के बाद उसमें वाटरिंग कर दीजिए, जिससे आपकी जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहे। और इसके अलावा अगर रूट्स खरपतवार कुछ भी मिले तो आप उसे निकाल दीजिए। ये सामान्य बातें हैं, ये ऐसी बात नहीं जो आपको नहीं पता हो। देखिए, नमी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे फ्रेंड्स बहुत से कहते हैं कि वो सीड लगा रहे हैं वेजिटेबल के, ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपकी मिट्टी में नमी नहीं होगी तो आपके सीड ग्रो नहीं होंगे, और ज़्यादा नमी भी होगी तब भी आपके जो सीड ग्रो होंगे वो अंदर ही अंदर सड़ जाएंगे। तो आप इतनी नमी रखिए, ये मेरे हाथ में आप मिट्टी देख पा रहे हैं, ज़्यादा अधिक नमी भी ना हो और ज़्यादा कम भी ना हो। हमने अपनी कंटेनर तैयार कर लिया, मिट्टी तैयार कर ली, गुड़ाई कर ली, निराई गोड़ी कर ली, धूप लगा दी। अब लास्ट में बात आएगी सीड की। तो सीड के मामले में आप
थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हम पैकिंग वाले सीड ना लें, मार्केट से जो छोटे छोटे पैक आते हैं वो सीड ना लें, क्योंकि जो सस्ते सीड आते हैं 10 या 15 या 20 रुपए के, वो सीड फेक सीड भी होते हैं, और कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं वो पुराने सीड पैक करा देती हैं। आप जहां तक कोशिश हो मार्केट जाइए, फर्टिलाइज़र की जहां दुकान है, कृषि संबंधी एग्रीकल्चर की बीज वगैरह मिलते हैं, वहां के बड़ी पैक्सों में से आप 10-15 रुपए के ऐसे सीड निकलवा लाइए। और ध्यान रखिए ऐसी दुकान पर जाइए जहां अच्छी बिक्री होती हो, तो वह भी जो पैकेट से सीड दे वो नई पैकेट होनी चाहिए, मतलब इसी वर्ष की होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पिछले वर्ष के जो बचे सीड हो उनसे दे दे, क्योंकि आजकल के जो सीड आते हैं दोस्तों हाइब्रिड सीड है, और एक साल से ज़्यादा रखने पर उनका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आता। कोई भी सीड, ये भिंडी है, देखिए मैं कुछ तोरई और लौकी के सीड भी लाया हूँ, मेरे पास अपने सीड भी हैं, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि मैं तो खैर अपने ही सीड यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, मार्केट से मुझे तोरई और लौकी के सीड नहीं लेने होते। लेकिन आप अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छी पैकेटों से कंपनी वाले सीड ही लेकर आएँ, चाहे थोड़े लेकर आएँ, क्योंकि कभी कभी सस्ते के चक्कर में हम सीड ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं, मैं भी राय देता हूँ ऑनलाइन मंगाने की, लेकिन उसका जो रिजल्ट है दोस्तों वो अच्छा नहीं आ पा रहा है, या फिर बहुत ही अच्छी कंपनी के सीड लीजिए तो वो काफ़ी महंगे भी आते हैं। तो ये तो बात हुई बीज की दोस्तों, अब फाइनली बीज को लगाना। तो गर्मियों की सब्जी उगाने के लिए जैसे कद्दू वर्ग की सब्जियाँ, लौकी है, करेला या घिया गोल वाला जो कद्दू है वो, कुल मिलाकर ककड़ी है, खीरा है, ये सभी तैयार हैं, मार्च आ गया है, आप इन्हें ग्रो करना शुरू कर दीजिए बिल्कुल। तो सीड आपने ले लिया, मिट्टी आपने बना ली, अब देखिए मौसम काफ़ी गर्म होगा तो आपको क्या करना है कि खाद की बात आती है तो कभी भी खाद, देखिए मैं गड्ढा इसलिए खोल रहा हूँ मैं आपको बताऊँ कि मैंने जो खाद डाली है वो काफ़ी नीचाई में, नीचे अंदर, मैंने ऊपर 4 से 5 इंच की ये मोटी परत अपनी नॉर्मल सॉइल की लगाई हुई है, वो इसलिए लगाई है कि हमारे जो सीड होते हैं वो खाद से कभी कभी सड़ जाते हैं, और वो ग्रो होते हैं, ग्रो हुए छोटे पौधे बने, नया अंकुरण आया तो खाद तुरंत उन्हें मिली तो वो सड़ना शुरू हो गए। तो ध्यान रखिए खाद आप कभी भी ऊपर इस सॉइल में ना मिलाएं, जहाँ तक वो नीचे रखें, या फिर जब आपके पौधे ग्रो हो जाएं उसके बाद आप कंपोस्ट खाद, बर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद यूज किया करें, रासायनिक खाद कदापि यूज ना करें, कम से कम सब्जियों में तो कभी भी नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभी तक का जो मैंने आपको बताया वो सभी समझ में आया होगा। तो मैं इसमें भिंडी लगाने वाला हूँ, आप देख पा रहे हैं ये वही कंटेनर है, लंबाई में देखिए आप। तो भिंडी लगाने के लिए बेड बनाना होता है, खेत में आपने देखा होगा कुछ वैसे ही बेड हम यहाँ बनाएंगे। बेड पर सब्जियां करने से बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आता है दोस्तों, बेड की ऊंचाई और मोटाई आप अपने कंटेनर के हिसाब से देख लें, अगर आप गमले में सब्जियां उगाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना बेड के भी आप उगा सकते हैं, लेकिन सॉइल आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, खाद नहीं होनी चाहिए उसमें, और नमी भरपूर होनी चाहिए। ये लीजिए दोस्तों फाइनली आप देख पा रहे हैं मैंने अपनी भिंडी लगाने के लिए जो बेड हैं वो तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। हम क्या करेंगे यहाँ भिंडी भी लगाएंगे और इसी में तोरई भी लगाएंगे, क्योंकि भिंडी का जो पौधा होता है उस पर तोरई बड़ी अच्छी ग्रो करती है दोस्तों, आप भिंडी के बीच में एक दो पौधे तोरई के लगा दें। लौकी लगाने के लिए आप कुछ अलग से कंटेनर यूज करें। अच्छा एक और बात, जैसा कि सीड को भिगोएं नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि आप उसे टिश्यू पेपर में जर्मिनेट कर लीजिए, देखिए
बिल्कुल टिश्यू पेपर में जर्मिनेट करने से सीड ग्रो हो जाता है, लेकिन उसके बाद हम जब उसे मिट्टी में लगाते हैं तो बहुत ही ध्यान रखना होता है। अगर आपने टिश्यू पेपर में सीड ग्रो किया हुआ है, मिट्टी में उसे लगाया और अचानक से आपकी मिट्टी सूख गई, जैसे आपने ध्यान नहीं रख पाया पानी देने का, तो फिर आपका जो सीड है वो ख़राब हो जाएगा। उसकी जो ग्रोइंग थी वो बेस्ट क्या कहना चाहिए, बिल्कुल निरर्थक हो जाएगी। तो मैं नहीं राय दूंगा आपको कि आप टिश्यू पेपर में सीड ग्रो करें, मिट्टी में सीड को ग्रो कीजिए डायरेक्ट, वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है। या फिर आप ग्लास में ग्रो कर सकते हैं, ग्लास को आप शेड में रखें, छाया में, थोड़ी बहुत धूप में, तो वहाँ से भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। लेकिन टिश्यू पेपर की मैं आपको राय नहीं दूंगा। गिलास में क्या होता है कि हमने ग्रो किए सीड और फिर उसे शिफ्ट कर दिया डायरेक्ट मिट्टी में, तो वो चेंजिंग इतनी अच्छी होती है कि आपका जो पौधा है वो सही हो जाता है। तो चलिएगा, भिंडी लगा रहे हैं, ये सीड है। भिंडी आमतौर पे तकरीबन 6 इंच दूरी पर लगनी चाहिए, आधा फिट दूरी पर, तो हम भी यहाँ यही करेंगे। और एक एक सीड ऐसे लगाना है तकरीबन आधा सेंटीमीटर गहराई पर, आप ये देख पा रहे हैं, और ढक दीजिए इसे। कभी भी सीड एक दो ना लगाएं, क्योंकि सीड ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, बाद में हम अगर हमारी ये सीड सभी ग्रो हो जाएंगे ज़्यादा तो हम इन्हें उखाड़ देंगे। हमेशा अपना बैकअप प्लान लेके चलिएगा फ्रेंड्स। अभी इसमें नमी है तो पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जब भी आप पानी दें तो इतना पानी ना दें कि आपकी मिट्टी बैठ जाए, बैठना उसे कहते हैं, जाम हो जाए, बिल्कुल हल्की नमी बनी रहे। मैंने ये गड्ढे इसलिए बनाए हैं कि आप पानी इस नीनी गड्ढों में देंगे तो जो आपकी भिंडी है वो अच्छी ग्रोइंग करेगी। और सीड भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें शुरू में, क्योंकि कभी कभी हमें एक्सपीरियंस नहीं होता तो हमारे सीड ग्रो नहीं होते, या ग्रो हुए तो बहुत कम हुए। जैसे अब 50 पौधे होने चाहिए ग्रो, हुए उसमें 10, तो आपका मन भी थोड़ा सा खिन्न हो जाएगा, सोचेंगे ये क्या हुआ, अच्छी हमने खेती की, अब 5 पेड़ों से हम कितनी भिंडी ले पाएंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, फाइनली हमारी भिंडी लग गई। और इसी के बीच में ये मैं कुछ तोरई के सीड भी लगा देता हूँ। सीड आप ज़्यादा गहराई में ना लगाएं फ्रेंड्स, और एक दो दिन थोड़ा सा वेट करके इसमें पानी दे देना है, क्योंकि अभी ये छत पर है तो काफ़ी तेज़ धूप पड़ रही है, ये सूख जाएगी मिट्टी। इन नालियों में पानी देंगे हम और बहुत जल्दी इनकी ग्रोइंग शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स इस वीडियो से आपके जो सवाल थे उनका हल निकला होगा, आपको जवाब मिले होंगे। फिर आप भी तैयारी कर ही दीजिए जल्दी से, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी सब्जियां उगा पाएंगे। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। कोई क्वेरी हो, सवाल हो तो आप पूछ लीजिए मुझसे कमेंट करके। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। अगली बार मैं कंटेनर में सब्जियां आपको ग्रो करके दिखाऊंगा। एक बड़ा कंटेनर है, एक हम छोटा कंटेनर लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि मैं सोमवार के रात को 9 बजे आपके सामने सुपर चैट पर ऑनलाइन होऊंगा, तो अगर आपके कोई सवाल हो तो वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ, हम छत पर सब्जियाँ उगा रहे हैं, और आप भी अपने घर में तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय राम, जय सियाराम, क्षमा चाहूँगा।